वेलकम टू कुकुड। कुकुड में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं कि कैसे बनाना है एक लौकी स्टेक्स इन क्रीमी ग्रेवी। इसके लिए सबसे पहले आप लौकी को लें और उसको मोटा मोटा स्लाइसेस में कट कर लें। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा नमक, मिर्च, हल्दी और 1.5 बड़े चम्मच बेसन को मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब आपने थोड़े से तेल लेकर इसमें इन स्टेक्स को फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अब हम इसको निकाल लेंगे और अब हम तैयार करते हैं ग्रेवी। ग्रेवी के लिए आप तेल गरम कर लें और इसमें डालें लौंग, हरी इलायची और मोटी इलायची। जब ये सब क्रैकल करने लगे तो आपने इसमें डालना है अनियन पेस्ट। ये 1/2 कप अनियन पेस्ट है। आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है जब तक इसका कलर ब्राउन या गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, इसका कलर हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब इसी स्टेज में आपने इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डालना है। ये एकदम से डार्क ब्राउन हो जाएगा। अब इसकी मैं फ्लेम को स्लो कर देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये देखिए, इसका कलर डार्क ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगा ताकि ये जले ना। इस सब चीजों को मिक्स करके मैं इसमें डालूंगा 1 कप टमाटो प्यूरी। ये टमाटो प्यूरी मैंने टमाटो बॉईल करके उसकी ब्लेंड करके प्यूरी बनाई हुई है। इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाने के बाद मैं इसमें नमक और मसाले डालता हूँ। इसमें सबसे पहले डालें नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब इस ग्रेवी को आपने अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ये देखिए, इसका ऑयल लगभग सेपरेट होने लगा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देता हूं और कसूरी मेथी भी। आप इसको थोड़ी देर और भूनें। ये देखिए, ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें डाल देते हैं फ्राई। इन सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसको आप 10 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल स्लो फायर पे पकाएं। अब देखते हैं, लौकी बिल्कुल पक चुकी है लेकिन अब इसमें हमें डालने हैं 2 स्पेशल इंग्रेडिएंट जिससे कि इसका स्वाद और फ्लेवर दोनों ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। पहला इंग्रेडिएंट है रोज वाटर। ये है लगभग 10 ml रोज वाटर, यानी कि 2 छोटे चम्मच रोज वाटर। और दूसरा इंग्रेडिएंट है 30 ml ऑफ फ्रेश क्रीम। अब मैं इसकी गैस को बंद कर देता हूं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं एक एक करके ये सारे स्टेक्स प्लेट में रखता हूं और ऊपर से डालता हूं इसकी ग्रेवी।
ये देखिए इसकी थिक रिच ग्रेवी, और इसके ऊपर गार्निश करते हैं फ्रेश क्रीम के साथ। इस डिश को आप एंजॉय करिए नान के साथ या रोटी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।